अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके दो पोर्शन के बारे में बनाए जाते हैं, एक डेटाबेस और एक सी लैंग्वेज। डेटाबेस और सी लैंग्वेज, इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने अपनी सोच के मुताबिक। मैं स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन में परस्पेक्टिव से कुछ डेटाबेस के बारे में पास डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट है जो ऑलमोस्ट एक से लेकर सात तक के चैप्टर्स में है। अच्छा, डेफिनेशन को मैंने और लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने सेपरेट कर दिया। डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे कुछ डेफिनेशन भी निकल सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसमें डेटा की डेफिनेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड फाइल प्रोग्राम फाइल डाटा फाइल मोस्टली डिफरेंस आता है। डाटा बेसिस की एक्चुअली डेफिनेशन आती है कि डाटा बेस हमारे पास क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव है, तीन हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, इसके वो आ रहे होते हैं, बैकअप एंड रिकवरी हमारे पास क्या फीचर है डेटाबेस के परस्पेक्टिव से ही। इसके अलावा व्यू की डेफिनेशन हमारे पास आ सकती है, इंडेक्स की डेफिनेशन आ सकती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों में क्लास में डिफरेंस है चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में। अच्छा, उसके बाद एंटिटी है, एट्रीब्यूट है हमारे पास, रिलेशनशिप है चैप्टर नंबर 3 में से, कार्डिनलिटी है, मोडलिटी है और फर्स्ट नंबर फॉर्म है, सेकंड नंबर फॉर्म, थर्ड नंबर फॉर्म, इनकी डेफिनेशन नहीं चैप्टर नंबर 4 की है। फर्स्ट नंबर फॉर्म, सेकंड नंबर फॉर्म, थर्ड नंबर फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्रॉस स्टेट डिपेंडेंसी एंड पार्शियल डिपेंडेंसी, ये वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो चैप्टर्स में से मोस्टली फायर करती है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन की हुईत कुछ इस तरह की होती है कि फाइल की टाइप्स हमारे पास तीन तरह की, मतलब यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू है, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं। इनमें से यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है जिसमें मास्टर फाइल और एक्सटर्नल होता है फाइल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। उसके बाद डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी हमारे पास तीन के लिए ऑब्जेक्टिव हैं, ये आ होते हैं डेटाबेस मॉडल है, ये भी मॉडल है हमारे पास रांची का नेटवर्क रिलेशन मॉडल। इसके बाद रिलेशन, ये बाद टेबल, टेबल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कीज, इसमें प्राइमरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे परस्पेक्टिव से, और फॉरन की ये ज़्यादा आदि होती है। इसके अलावा और भी की है, स्वॉट की, कंट्रेट की, हार्डवेयर की है। कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस मॉडल, ऐसे कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल ऑलमोस्ट सेम होता है, लॉजिकल डेटाबेस मॉडल डिजाइन के बाद बस इसमें लॉजिकल और फिजिकल आ गया, फिजिकल को आप शॉर्ट में ले सकते हैं और लॉजिकल जो है ये लॉन्ग। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, डाटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास किया जाता है, ये भी हमारे पास तीन तरह की इसकी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, वो भी इंपॉर्टेंट तीन हैं, चार तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन, इनकी डेफिनेशन, नॉर्मलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन, टेबल फॉर्म्स की रिलीज रिपोर्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी टाइप्स वगैरह, ये हमारे पास स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे ध्यान लगाया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का कॉन्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5, 6 और 7 में जाता होता है और एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन में से ज़्यादा होता है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में से ज़्यादा होता है। तो मोस्टली कुछ लोग इतने से लॉन्ग क्वेश्चन परफॉर्म कर देते हैं, कुछ यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, ये सब भी यूज़ है। ये तो हमारे पास डेटाबेस का पोर्शन था, फॉर्म किया, अंडरस्टैंड कराइए होंगे। अब हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज हमारे पास इसका दूसरा पोर्शन होता है, तकरीबन हाफ के पेपर से आ जाता है, हाफ के पेपर से आ जाता है ज़्यादा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे और तकरीबन चैप्टर नंबर 14 तक हमारे पास इसका कॉन्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है, एक चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है जी, और एक चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग आ रहा है, ठीक है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
डायग्राम है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में, अगर आप देखेंगे उसकी एक डायग्राम मिल गया है, वो डायग्रामेटिकली यूनिवर्सल लॉज में करना होता है, जिसके अंदर से कि कोड एग्जीक्यूशन वगैरह कंपाइलिंग वगैरह सारी कोड डेफिनेशन का करते हैं, इसलिए हम शॉर्ट एंड टीज में। फिर दूसरा हमारे पास हमारे सिंगल वेरिएबल स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट है वो है कि कैश एरर्स। एरर्स के हमारे पास तीन तरह के एरर्स, सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर, उसके बाद वेरिएबल्स एंड इट्स रूल्स, रूल्स फॉर द मेन वेरिएबल जिसमें या चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 गाइस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 और 12 क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लास्ट ही आता है, ठीक हो गया। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन सारी बात आपको ज्ञान है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक हेल्थ से रिलेवेंट है, जैसे कि लीप ईयर वाला प्रोग्राम है आपके पास, लीप ईयर वाला प्रोग्राम काफ़ी लिखा गया है, और इसके अलावा इवन ऑड नंबर्स वाला, ट्यूटोरियल वाला, इस तरह के जो ज्ञान है उसमें देखे गए हैं चैप्टर नंबर 11 और 12, ठीक है। इनको आपने लाजमी लास्ट तौर पर देखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में आपने फॉर लूप से